मैंने पहले भी कहा है कि इस कंट्री में नौकरी कोई मुद्दा नहीं है, न सरकार के पास इकोनॉमी है। कहां से आप जो आप उठा करके देख लीजिए, संविदा पर, नियोजन पर, नियोजित पर, आप परमानेंट कोई भी नौकरी हिंदुस्तान में खासतौर पर आप देखेंगे तो नहीं के बराबर है, अब नहीं मिलेगा। बैंकिंग लगभग खत्म हो गई, रेलवे और सिपाही आर्मी भर्ती को हम छोड़ दें तो जितनी चाहे वो मेडिकल हो, बीएमएस हो, चाहे छोटी छोटी कोई भी इकाई हो, वहाँ पर परमानेंट की गुंजाइश लगभग शून्य हो चुकी है। एक स्थिति मामला नहीं है, बहुत सारे ऐसी वो एक एक पहले बैठा था, बीती था, क्या क्या था, सभी लोगों का लगभग स्थिति यही है। और मैं समझता हूँ कि इनके डिमांड को सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार कंप्लीट रूप से इस बात पर ध्यान नहीं देती है। अब जो शिक्षा मंत्री है, केंद्र का भी वही हाल है, बिहार का भी वही हाल, शिक्षा चौपट, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर खाजा टका सिर भाजा। इसके बाद हम लोगों का ऑफलाइन एग्जाम हुआ, ऑफलाइन एग्जाम जो है कैंसिल हो जाता है, उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम खड़े हो ना रहने देता भाई से ना, कंपनी को इसका जिम्मा दिया जाता है एग्जाम देने का। जो देश में तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्जाम आयोजित करवाता है, उसके बाद हम लोगों का रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है, उसके बाद मेरिट और नॉन मेरिट हो जाता है। 37,000 सीटों के अनुसार 30,675 लोग मेरिट में आते हैं और जो 80,000 टोटल आता है, जो मिनिमम कटअप को पार करते हैं। तो सरकार का बीएड कर चुके हैं भाई, वही लोग हैं, हम लोग वही लोग जो बीएड कर चुके हैं, बीएड मिनिमम योग्यता बीएड ही रखा गया था। उसके बाद सर ऐसा है ना कि एक प्रतियोगिता परीक्षा लिया गया था, पात्रता परीक्षा नहीं, इसको कंपटीशन लेवल का परीक्षा था कि सीट निकाला गया था कि 37,000 सीट है और उतने ही बच्चे क्वालिफाई करेंगे जितना सीट है, उसके बाद फेल कर जाएंगे। वही विज्ञापन में निकला, फॉर्म भी ऑनलाइन भराया, ऑनलाइन एग्जाम भी हुआ कोरोना के समय में, और पीएसबी द्वारा परीक्षा में रिजल्ट निकाला गया और विज्ञापन में लिखा हुआ था मेरिट और नॉट मेरिट। जब रिजल्ट कार्ड जारी हो गया 12 मार्च को, तो उसमें शिक्षा मंत्री जी विज्ञापन नहीं पढ़े और सबको कह दे कि सर की नौकरी पक्की होगी बिना विज्ञापन पढ़े हुए, जबकि उसमें मेरिट नॉट मेरिट की चर्चा है। जैसे सिपाही सबकी बहाली होती है ना, एक मिनिमम कर्तव्य होता है, मेरिट में जो आएंगे वो रहेंगे और नीचे से रहेंगे वो नहीं होंगे, हाँ डिक्रीजिंग होता होगा। इन लोग ने खूब हल्ला किया, फेल स्टूडेंट, तो रात रात कमेटी बना दी सरकार और 4 दिन के अंदर कमेटी कहते कि फेल पास सब एक है, अब सब नियोजन इकाई में जाइए, घूमते रहिए। 80,000 को पास कर दिया फेल पास को, जबकि 37,000 सीट तक 30,675 ही मेरिट में आए थे, तो सबको एक कर दिया, कहा कि आप घूमते रहिए नियोजन इकाय में, 80,000 37,000 सीट है, इसी का सर है। और ऑफलाइन बढ़ाने का हम लोग की मांग है कि ऑफलाइन नहीं हो, भ्रष्टाचार होती है, ऑनलाइन तरीके से हो और स्टेट मार्क्स पे बहाली हो। और प्रमाण पत्र मिला है, मुद्दा ये है कि अभी तक जो बहाली प्रोसेस है शिक्षक का, इस तरह शिक्षकों की बहाली हमारे बिहार में होती है, तो मेरा गलत है कहूँगा, तो ये एकेडमिक मार्क्स पे होती है, मतलब मैथ, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड के मार्क्स एकेडमिक जो प्राप्त करते हैं उस प्रोसेस पे होता है। हम लोगों का डिमांड है कि सर एकेडमिक प्रोसेस बंद कीजिए और प्रतियोगिता परीक्षा जो आपने लिया था, यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा यूपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, वो इस प्रतियोगिता परीक्षा से सिलेक्शन करती है। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा जो आपने लिया है उसके मार्क्स पर सिलेक्शन कीजिए, और जो मेरिट आपने बनाया है तो पहले उनका जॉब सुनिश्चित कीजिए, और आप नॉट मेरिट भी लेना चाहते हैं तो वैसे भी लाखों भर्तियाँ मतलब कि बहुत रिक्त हैं, उनको भी मौका दीजिए, लेकिन पहले हमारा सुनिश्चित कर दीजिए, बाद में बचता है या है तो उनको भी मौका दीजिए। तो हम सबका चाहते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, आप आ जाइए एकेडमिक पे, और मान लीजिए कि मैं मेरिट में अच्छा रैंक लाया हूँ, नंबर 1 पोजीशन है, और एकेडमिक में मेरा इंटर 2005 में दिए थे मैट्रिक, और शायद खराब हुआ हो तो मेरा तो नौकरी नहीं होगा, तो मैट्रिक में अगर खराब रिजल्ट है ये पैमाना थोड़े ही होगा। मैट्रिक, इंटर और बीएड का बोलते हैं कि होगा,
एकेडमी का विरोध करते हैं, क्योंकि एकेडमिक मार्क्स में जो परिणाम आता है वो धांधली से आता है, पैसा जितना प्राइवेट कॉलेज में दिया जाता है वैसे वैसे धांधली से। देखिए दो तीन बात समझिए, देश और बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा जीवन यापन का है, रोजगार का है, जिंदगी जीने का है। हमको आश्चर्य लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री, सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था और ढिंढोरा पीटने वाली कंट्री पूरी दुनिया में, अब मूल्यों और अध्यात्म पर संस्कृति पर जीने वाली कंट्री कहाँ गया। 140 करोड़ की आबादी है हम लोगों, 14.5 करोड़ की आबादी है बिहार। आश्चर्य होगा बेसिक स्थिति, एक तो पहले आप समझिए कि इस बिहार और यूपी से बाहर लोगों की मानसिकता, यूथ की मानसिकता रोजगार की भी है, नौकरी से अलग है, क्योंकि अन्य स्टेटों में जो बड़ा डेवलप पर स्टेट है वहाँ पर रोजगार करने वाले को सरकार भी तवज्जो देती है, समाज भी रेस्पेक्ट देता है, व्यवस्था भी रेस्पेक्ट देती है। यूपी बिहार में क्या है कि 6000 की नौकरी हम करेंगे तो रेस्पेक्ट भी उसी को मिलेगा, समाज भी मान्यता उन्हीं को देती है और परिवार का भी धैर्य उसी की भी है। यदि हम 1 लाख रुपया कमाते हैं, 2 लाख रुपया कमाते हैं तो उसका रेस्पेक्ट ना तो सिस्टम देती है, ना सरकार उसको और बैंकिंग सिस्टम से भी तवज्जो मिलता है और ना समाज देती है। तो यूथ को लगता है कि हम सरकारी नौकरी या प्राइवेट, ये दो चीज उनके पास। अब बिहार सरकार की जो स्थिति है, आप इसको एक बात समझिए, मैंने पहले भी कहा है कि इस कंट्री में नौकरी कोई मुद्दा नहीं है और ना सरकार के पास इकोनॉमी है। कहाँ से आप जो आप उठा करके देख लीजिए, संविदा पर, नियोजन पर, नियोजित पर, आप परमानेंट कोई भी नौकरी हिंदुस्तान में खासतौर पर आप देखेंगे तो नहीं के बराबर है, अब नहीं मिलेगा। बैंकिंग लगभग खत्म हो गई, रेलवे और सिपाही आर्मी भर्ती को हम छोड़ दें तो जितनी चाहे वो मेडिकल हो, BMS हो, चाहे छोटी छोटी कोई भी इकाई हो, वहाँ पर परमानेंट की गुंजाइश लगभग शून्य हो चुकी है। कोई भी नौकरी संविदा को प्राथमिकता देती है। अब एक तो सरकार संविदा पर लेती है और दूसरी तरफ इनके पास आम बेसिक कितना मैक्सिमम 12000, 13000, 14000 जाते जाते दम तोड़ने लगती है। 18000 से ऊपर कोई नौकरी वर्तमान समय में, यदि हम आर्मी, बैंक, रेलवे को छोड़ दें और सिपाही को, तो वर्तमान समय में लगभग 18000 से नीचे से ऊपर की कोई गुंजाइश नहीं है। अब 18000 रुपया, 12000 रुपया में क्या लोग जिएगा, परिवार कैसे जिएगा, ये MLA MP को बताना चाहिए, मंत्री संतरी को, सबको, कि उसकी फैमिली कैसे जीती है। बिजली अब चार्जेबल बिजली हो गई। अब आश्चर्य आपको ये है कि जो एवल्यूशन बिजली का पहले आता था मैनुअल, अब मैनुअल खत्म कर दिया। अब आप सोचिए कि जहाँ स्मार्ट मीटर लगा तो चार्ज होने के बाद 1 महीने तक पता नहीं चलता है कि बिजली कब मिलेगी, और नहीं तब भी 1 महीने के बाद समय नहीं है निर्धारित, और उसके बाद कब चार्ज खत्म हो गया ये भी पता नहीं। तो चारों तरफ से अच्छा, नोटबंदी के बाद लगभग स्थिति, महंगाई के बाद दुनिया हिंदुस्तान खत्म की स्थिति हो गई है, तो उसमें जो बेसिक यूथ है क्या करेगा इसको समझिए। अब जो मामला इन लोगों का है, एक स्थिति मामला नहीं है, बहुत सारे ऐसी एक पहले बैठा था, बीती था, क्या क्या था, सभी लोगों का लगभग स्थिति यही है। अब जो 80000 का मामला हो या 1 लाख का मामला, तो सरकार के पास वैकेंसी की कमी नहीं है, सरकार के पास इकोनॉमी की कमी है।
अर्थ की कमी, सरकार बिरनी के खोता को हम ढेपा नहीं मानना, छेड़ना नहीं चाहती, उसको लगता है कि हम दे देंगे कल सारा डिमांड, ये जो हमारा गवर्नमेंट के द्वारा जो चीज़ें लाई गई है कि किन किन चीज़ों पर हम नौकरी देंगे, कैसे हमारा होगा, कल के दिन हमको लेकर के ये लोग कटघरे में खड़ा हो जाए, तो सरकार बहुत सोच समझ करके फूक फूक करके वैकेंसी भी निकाल देती है, निकालती है, पैसा भी ले लेती है, करोड़ों अरबों रुपया ले लेने के बाद फिर वो पैसा सरकार का हो जाता है, लौटता नहीं है। अब जैसे 12 सालों से जो 38,000 कौन वैकेंसी नहीं, वो जिसको वैकेंसी भी निकली सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। एसएससी का मामला, एसएससी का मामला है, हम भी कई मामले हैं। तो अभी जो हमारे भाई लोग बोल रहे हैं अनुज सर कि मैरिट को छोड़ दीजिए और प्रतियोगिता ले लीजिए, आप मैट्रिक अकेडमिक जो उसको छोड़ दो, जो प्रतियोगिता आप देख के मैरिट में आए हैं उसको आप लीजिए। सच्चाई यही है कि प्रतियोगिता वाला ही बेसिक जब आप यूपीएससी बीपीएससी एसएससी या अन्य का आप लेते हैं और उनको आप नहीं रखे हुए हैं उस कैटेगरी में, तो फिर टीचर्स को भी तो आपको कम से कम प्रतियोगिता में लेना चाहिए। तो इनका जो डिमांड है वो डिमांड बिल्कुल क्लियर है और मैं समझता हूँ कि इनके डिमांड को सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार कंप्लीट रूप से इस बात पर ध्यान नहीं देती है। अब जो शिक्षा मंत्री है, केंद्र का भी वही हाल है, बिहार का भी वही हाल, शिक्षा चौपट, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर खाजा टकासेर भाजा, मतलब जो हालात है एजुकेशन पर, न तो बजट है, न तो हेल्थ पर बजट है, न एजुकेशन की गरिमा है, 6,400 हाई स्कूल नहीं है, लगभग मिडिल स्कूल इससे 6,500 के ऊपर हाई स्कूल नहीं है, मिडिल स्कूल नहीं है, अभी तक नहीं है किसी भी पंचायत में, और हाई स्कूल भी नहीं है, तो 6,000 हाई स्कूल नहीं होना, और जितनी टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत है और वो टेक्निकल एजुकेशन अभी तक नहीं हुआ, का कोई भी कॉलेज नहीं खुलता है, फैकल्टी का टीचर नहीं बहाल होती है, जो फैकल्टी हम पढ़ेंगे उस फैकल्टी का टीचर नहीं मिलेगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, अन्य जगहों पर जहाँ भी बड़ा बड़ा मकान बना दिया ठेकेदारी हो गई, स्कूल में जाकर के लोहा का केवाड़ी लगा दिया ठेकेदारी हो गई, टीचर्स का कोई वैल्यू नहीं। तो अब वन एजुकेशन वन हेल्थ की बात होती है, वन नेशन की बात होती है, और क्वालिटी और क्वान्टिटी बेस्ड एजुकेशन की बात हो रही है। अभी जो सर्वे आया उसमें इंटर तक प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बच्चे मैथ और विज्ञान को नहीं जानते, अभी भारत सरकार जो सर्वे आया बेसिक नॉलेज ही नहीं है, और जो उस वक्त जिसके पास मार्क्स कम था अब तो मार्क्स को बढ़ा के दिया जा रहा है पास करवाने के लिए, अब उस वक्त मार्क्स बहुत कम था। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।